दोस्तों कुछ महीनों पहले कर्नाटक का नाटक खत्म हो गया था। आप सभी को पता है कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत करके यहां पर अपनी सरकार बना ली। हालांकि इससे पहले वहां पर जेडीएस और कांग्रेस की सरकार थी जिनके 17 बागी विधायकों ने पार्टी से किनारा कर लिया। उसके बाद चुनाव हुए और बीजेपी ने ज्यादा सीटें जीत करके अपनी सरकार बनाई है। लेकिन एक बार फिर कर्नाटक में नया नाटक शुरू हो गया है और इस बार यह नाटक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के इस्तीफे तक पहुंच गया है। दरअसल इससे पहले आपको पता होगा कर्नाटक में सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर के काफी ज्यादा चर्चाएं थी लेकिन विस्तार नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि बी एस येदियुरप्पा ने खरमास की वजह से यह विस्तार रोक रखा था क्योंकि वो बिना ज्योतिषी के कोई काम नहीं करते। लेकिन अब ये नाटक उनके इस्तीफे तक कैसे पहुंचा और आगे किस तरह से क्या कैबिनेट विस्तार होगा या फिर कुछ ऐसे विधायक जो बागी होकर के फिर बड़ा उलटफेर करेंगे, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए से देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको लगता है कि हमारे देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं सबको डेवलपमेंट, बेरोजगारी और लोगों के रोजगार के ऊपर काम करने की जरूरत है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा को उस वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ा जब पंच मसाली मठ के पीटा श्रीधर श्री स्वर्वचानंद स्वामी ने लिंगायत समुदाय के नेता मुरुगेश निरानी को सार्वजनिक रूप से मंत्री बनाने की मांग कर दी। मंगलवार को हावेरी में जब येदियुरप्पा मंच के पर उपस्थित थे तो उस दौरान दोनों के बीच बताया ये जा रहा है काफी ज्यादा नोक झोंक भी हुई क्योंकि लिंगायत समुदाय की तरफ से बताया जा रहा है कि मंत्री शायद वहां पे नहीं होगा, जिसको लेकर के मांग चल रही है। लेकिन उनका यह कहना है, लिंगायत समुदाय के जो कहीं ना कहीं महंत है उनका यह कहना है अगर लिंगायत समुदाय का मंत्री नहीं बनाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लिंगायत समुदाय का जो विश्वास है वो बी एस येदियुरप्पा बीजेपी सरकार खो देगी, जिसके बाद यह संग्राम अब उनके इस्तीफे तक आ पहुंचा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बी एस येदियुरप्पा ने यह कहा है कि आप हमको सिर्फ राय दीजिए, विस्तार कैसे करना है वो हम देख लेंगे, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कई ऐसे वहां के विधायक हैं जो नाराज चल रहे हैं। और नाराज चलने के बाद उन्होंने कहा है कि 17 जो विधायकों ने उनके लिए इस्तीफा दिया, जिन्होंने अपनी पार्टी का त्याग किया, पहले हम उनके बारे में सोचेंगे उसके बाद हम दूसरा देंगे। तो ऐसे में लग रहा है कि कर्नाटक में एक बार फिर बड़ा उलटफेर हो सकता है और यह उलटफेर कहीं ना कहीं बीजेपी को महंगा भी पड़ सकता है। लेकिन बी एस येदियुरप्पा भी अपनी चाल में काफी माहिर माने जाते हैं, वो ऐसा शायद ना होने दे। लेकिन देखने वाला वक्त होगा क्या जो लिंगायत समुदाय लोगों की मांग है कि वहां पर एक लिंगायत समुदाय का जो है मंत्री बनाया जाए वो पूरी होती है या नहीं पूरी होती है, और नहीं पूरी होती है तो उसके बाद क्या समीकरण बदलते हैं, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि कर्नाटक का एक बार नाटक फिर से शुरू हो गया है। इस पर आप कुछ कहना चाहते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।